भैया जा रहे हैं हम मॉर्निंग वॉक पे। सर क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे उठ गए इतनी जल्दी? और सर कितनी वॉक करनी आज हमने? पता नहीं मेरे को ये होगा। और भाई काम आज गए हम? हम चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच चुके हैं। चिड़िया के घोंसले? हाँ यार सही है। तो पास जाकर खाते हैं। यार एक ही पेड़ में इतने सारे घोंसले लगे हुए हैं। ओए बेटा और कितना जाना है हमने? बस 3 किलोमीटर आगे तक। बस 3 किलोमीटर? अभी तो स्टार्ट है। मेरे लिए खत्म हो गया। तो फिर आज फिर से हो गई है बारिश और दर्शक आप देख सकते हो हमने गाड़ी लगा दी है बाहर ताकि ये धुल जाएगी। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो बारिश देख के आपको कुछ याद आया क्या? यहाँ पे बादल नहीं है और अभी यहाँ से आ रहे हैं। बादल कितने वो? मैंने ही बताया आपको, मैं कह रहा हूँ बारिश नहीं आएगी। है मैं 100% दावा करके कहता हूँ कि बारिश नहीं आएगी। अगर ज्यादा बारिश आ गई तो अगली वीडियो में मुर्गा बनना पड़ेगा। बारिश हो रही है काफी तेज और ये रहे हमारे मुर्गा भाई। और मुर्गा भाई आपकी भविष्यवाणी फेल हो गई? क्या सोच रहे हो, हम मुर्गा नहीं बनेंगे। मुर्गा भाई कैसे हो फैन भाई? सुना है आप मुर्गा बनने वाले हो आज? नहीं ऐसे कैसे? मैंने सुना पिछली वीडियो आपने कहा था कि बारिश होगी तो मुर्गा बनोगे। मैंने कहा था, मैंने कहा बारिश होगी मैं डोंकी नहीं दूंगा। क्या डोंकी नहीं बनना है, मुर्गा बनना है। हेन कुकड़ुकू कब यहाँ बनोगे? नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? मुर्गा तो तुम बन के रहोगे। नहीं बनूंगा। और मुर्गा भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? आम ये कैसा आम है? आधा खाली है। मैंने कैसा रहेगा? मैं सुना सुबह कौवे खा रहे थे आम। ये वही आम है? नहीं है ये यहाँ से उठाए दीवार के ऊपर से? नहीं ये पापा ने लाया। हाँ वही जो मैंने देखा था। ये देख ये कौवे ने चूंच मारी। ये देख मैंने खाया अभी। ये कौवे खा रहे थे आम सारा। और ये मैंने खाया। हाँ कौवे ने खाया आम। ये कौन सा काला जादू किया तुमने यहाँ जब बारिश अभी आ रही थी बंद भी हो गई? काला जादू नहीं है, भविष्यवाणी। पिछली बार की भविष्यवाणी याद है तेरे को? मुर्गा नहीं बनाया अभी तक तू? हम बताए अच्छा आम खा के मुर्गा बनोगे। और भाई दोस्तों क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मतलब अभी मम्मी पापा बाहर गए सामान लेने तो मुझे बोल के गए हैं कि भाई जितने कपड़े रखे हैं छत पे सुखाने के लिए सबके सब उठा के मुझे घर में रखने हैं अंदर। तो ये सारे कपड़े देखो, ये एक एक पिलर पर एक एक कपड़ा अलग से सजा के रखा हुआ है मेरे लिए। ये जितने कपड़े सजाए हुए हैं यहाँ पे ये सारे मुझे उठा के नीचे लेके जा रहे हैं। तो चलो यार करता हूँ मैं काम शुरू, गधा मजदूरी। तो दोस्तों इसे कहते हैं टैलेंट। भाई सारे के सारे कपड़े मैंने अकेले उठा लिए वो भी एक ही हाथ में। मतलब यार कुछ ज़्यादा ही पावर आ गई मुझ में, हो सकता है मेरी। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लाइफ। चलो भाई एक एक बारी में एक एक सीढ़ियाँ नीचे उतरो, कहीं गिर मत जाना। ओ मुर्गा का बनना है? अब जब से आ रहा हूँ आम पे आम खा जा रहे हो, मुर्गा तो बनो। नहीं बनूंगा। मुर्गा बनना पड़ेगा। बनूंगा। तो भाई # हेल्दी लाइफस्टाइल अभी हम करने वाले हैं थोड़ा वर्कआउट। भाई पसीना पसीना हो गया हूँ।
भाई पहला दिन था आज, हवा टाइट हो गई सही में यार, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा, पसीना पसीना हो गया मैं। तो यार दोस्तों फाइनली वर्कआउट हो गया, अभी थोड़ा आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं, रेस्ट करते हैं। तो कुणाल भाई की सुबह से फरमाइश थी कि मैंगो शेक पीना है, तो हम मैंगो शेक बनाने वाले हैं। मैंगो शेक कैसे बनाना है, वो क्या क्या चाहिए, ये देखो। पहले आपको चाहिए मैंगो, कि मतलब उसका जो भी आप जूस है वो निकाल के ऐसे रख लो। आइस क्यूब चाहिए, दूध और बादाम काजू जो भी आपके घर में हो, किशमिश भी डाल सकते हो, मेरे पास था नहीं वो, तो मैंने सिर्फ बादाम में रखे हैं अभी, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये मतलब एकदम सिंपल तरीका है मेरा, इसमें मैं कोई चीनी कुछ नहीं मिलाऊंगा, तो बस करना है कि दूध इन सबको मिक्स कर देना है। तो भाई अब कुणाल भाई का सपना हो गया पूरा मैंगो शेक पीने का। और भाई कैसा लगा मैंगो शेक? काफी अच्छा। बस इतना ही बोलना आपने? और क्या बोलना, बोल भी कुछ तारीफ करो मेरी, बोलो कि दुनिया का सबसे काफी अच्छा शेफ है, दुनिया का काफी अच्छा शेफ नहीं है पर अच्छा शेफ है, काफी अच्छा बनाया है, मैंने भी इनकी हेल्प की है साथ में। क्या हेल्प की तुमने? आपको साथ खड़ा रहा। अब इनके एक्सप्रेशन देखेंगे। अच्छा ठीक है, मेरे का एक्सप्रेशन निकला नहीं, जनता एक्सप्रेशन देखना चाहती है, ये देखिए एकदम मरे हुए डेड बॉडी से एक्सप्रेशन।